नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। पलियन घासन स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार का कार हुआ हादसा। बताते चले कि पलियन घासन रोड स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार का कार नहीं रुक रहा है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सुबह पलिया निघासन रोड बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज गेट के सामने हुआ बड़ा हादसा, जिसमें बताया जा रहा है कि पलिया से आ रही बस जो सवारी से भरी हुई थी अचानक खाई में जा पलटी, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हुए हैं और कई लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को पलिया CSC में भर्ती कराया गया। ड्राइवर निकलने में कामयाब हुआ, जबकि ड्राइवर काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है। गाड़ी को साइड करने के चक्कर में हुआ हादसा, खाई में जा पलटी गाड़ी। आए दिन हो रहे हादसे से इसका शासन प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान, ऐसा स्थानिकों का आरोप है। आप देख रहे थे लोकल खबरें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर। जय हिंद।